बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। तो 16 नंबर है, इससे पहले 15 हमने सॉल्व की है। 16 है कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है। तो कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा में लिख सकता हूँ कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर। तो ये हमारे साथ कॉस 4 थीटा के बराबर है और ये साइन 4 थीटा के बराबर है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला है ए स्क्वेयर ए प्लस बी, ए हमारे साथ है कॉस स्क्वेयर थीटा, बी है साइन स्क्वेयर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 के बराबर है और ये डबल एंगल फार्मूला है, ये कॉस 2 थीटा के बराबर है विच इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ए स्क्वेयर ऑफ साइड ए इज इन साइड द सर्कल, एक स्क्वेयर है जो इंस्क्राइब सर्कल के अंदर है, ठीक है। इस तरह जब इंस्क्राइब सर्कल हम स्क्वेयर हम ड्रा करते हैं सर्कल में, तो इसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो हमें गिवन है रेडियस 2, स्क्वेयर ऑफ साइड ए, स्क्वेयर का साइड ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। और इसका रेडियस 2 है, तो ये डायमीटर कितना होगा, 4 होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज, ये हमारे साथ अभी ये ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो 4 स्क्वेयर से 16 आता है इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर से आता है 2 ए स्क्वेयर, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा और ए स्क्वेयर हमारे साथ आ जाएगा 8। तो ए स्क्वेयर क्या है, एरिया है, रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ऑफ स्क्वेयर मालूम कर ले। तो ए एक साइड है, तो एरिया क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए से ए स्क्वेयर आता है। तो ए स्क्वेयर हमारे साथ 8 के बराबर है, तो स्क्वेयर का एरिया 8 के बराबर है। 18 है 60 मीटर लॉन्ग आर्क ऑन ए सर्कल हैविंग डायमीटर 20 मीटर हैज़ अ सेंट्रल एंगल। तो 6 मीटर लॉन्ग आर्क, तो लेन हमारे साथ फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो लॉन्ग आर्क, आर्क का लेंथ कितना है, 60 मीटर है। रेडियस डायमीटर कितना है, डायमीटर 20 है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है मतलब 10 और थीटा रिक्वायर्ड है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 बाई 10। तो 60 बाई 10 से आता है 6 और थीटा का यूनिट होगा रेडियन। इस फार्मूले से जब हम थीटा मालूम करेंगे उसका यूनिट होगा रेडियन, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19 है पर व्हाट स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा आर आइडेंटिकल। तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू बहुत कम हो मतलब ज़ीरो हो, तो साइन ज़ीरो भी ज़ीरो के बराबर है और टेंजेंट जीरो भी जीरो के बराबर। इस तरह पर स्मॉल एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है पर जीरो एंगल, पर जीरो एंगल साइन थीटा और कॉस टेंजेंट थीटा आपस में बराबर है। ऑप्शन नंबर बी, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा लाइन इन द फोर क्वाड्रेंट। तो फोर क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ए एस टी सी, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेकंड, तीसरे में टेंजेंट और कोटेंजेंट, फोर्थ में कॉस और सेकंड। तो कॉस थीटा बाई 2 मालूम करना है और कॉस थीटा हमें गिवन है, तो हाफ एंगल फार्मूला हमारे साथ है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस, और प्लस में इधर में प्लस माइनस इसलिए निकला क्योंकि फोर क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये कॉस थीटा बाई 2 है। 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा हमें गिवन है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2, तो 1 प्लस 1/2 से आता है 3/2, 1 प्लस 1/2 से आता है 3/2, 2 LCM, 2 1s are 2 प्लस 1, तो 3/2 आता है और डिवाइड बाय 2 अंडर द रूट, या अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 4, या 3 अंडर रूट और 4 अंडर रूट 2 के बराबर है, तो अंडर द रूट 3/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। द नंबर ऑफ रेडियन इन ए सर्कल आर, एक पूरी सर्कल में 2π रेडियन होते हैं, ठीक है। एक पूरी सर्कल 2π रेडियन के बराबर है, ठीक है। पूरा सर्कल का हम ड्रा करते, ये पाई बाई 2, पाई 3π बाई 2 और 2π।
ठीक है, 22 हमारे साथ है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू, तो ये सिंपल फार्मूला है। नीचे जो आंसर है इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो जिससे आंसर आ जाए वो सही होगा। तो स्टार्ट में ऐसे लेता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्टली मैं ओपन करता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। और ये डबल एंगल फार्मूला ये इस तरह भी आ सकता है क्योंकि ये बराबर है साइन 2 अल्फा का, ठीक है, नहीं नहीं वो सेम होना चाहिए, ठीक है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इसी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 23 है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमारे साथ हाफ एंगल फार्मूला है कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बराबर है अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, जब यहाँ थीटा हो थीटा बाई 2 तो यहाँ थीटा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख लूँ थीटा बाई 2 की जगह तो ये होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब ये इसके डबल होगा, अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये थीटा है, ये मैंने थीटा कर दिया तो ये 2 थीटा होगा डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो साइन स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वेयर स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 खत्म, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमारे साथ 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हमारे साथ बराबर है 2 साइन स्क्वेयर थीटा का, 2 साइन स्क्वेयर थीटा का, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर थीटा बराबर है कोसेकंड स्क्वेयर थीटा का, कोसेकंड स्क्वेयर थीटा का विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और कोसेकंड बराबर है 1 ओवर साइन स्क्वेयर थीटा का, तो साइन स्क्वेयर थीटा के साथ हाँ 2 आंसर होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू।